अस्सलाम वालेकुम माय यूटी फैमिली क्या हाल है आप सबके उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे खुश होंगे मज़े में होंगे अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और ये टाइम है सुबह का और बच्चों ने ऑर्डर कर दिया था फूड पांडा पे हलवा पूरी का मुझे तो खैर पता नहीं था मुझे तो बाद में पता चला है कि हलवा पूरी मंगवाई है और फिर बच्चों के साथ हो गया फ़्रॉड क्योंकि इन्होंने मंगवाई थी चार पूरियाँ और जबकि आई दो पूरियाँ और इससे पहले जब इन्होंने कुछ टाइम पहले नाश्ता मंगवाया था तो इसी जगह से सही आया था तो इसीलिए इन लोगों ने दोबारा ऑर्डर कर दिया था लेकिन अब खैर क्या हो सकता था फ्रॉड हो गया हमारे साथ फिर मैंने इन लोगों के लिए एक आध पराठा भी बना दिया था कि चलो इनका पेट भर जाए क्योंकि दो पूरियाँ थी तो वो मैंने एक एक दोनों को दे दी थी थोड़े उदास हो गए थे क्योंकि इन लोगों को भूख ज़्यादा लग रही थी मैंने कहा उदास क्या होना है यहाँ तो ये एक आम सी बात है ये सारे फ्रॉड तो यहाँ चलते रहते हैं हम लोग फूड पार्टनर से वैसे बहुत कम ऑर्डर देते हैं नाश्ते का अगर कभी मूड बाहर से हो बच्चों का खाने का तो ये लोग जाके ले आते हैं मेरे हस्बैंड ला देते हैं या मेरा बड़ा बेटा जाके ले आता है लेकिन इन लोगों को था कि इतनी सुबह कौन जाएगा हम लोग सो रहे थे तो इन्होंने फूड पांडा पे ऑर्डर दे दिया मैंने कहा चलो कोई नहीं अब्दुल्ला ने तो एक ही पूरी खानी थी दूसरे को मैंने फिर पराठा भी बना दिया था क्योंकि उन्हें भूख ज्यादा लग रही थी और पूरी उन्हें लग रहा था इन दो पूरी से होगा क्या यहाँ तो यह है कि ऑनलाइन चीज कोई भी मंगवाने में बस यही डर लगा रहता है चाहे वो खाने पीने की चीज हो या कोई दूसरी चीज हो तो यही डर लगा रहता है कि पता नहीं वो चीज़ कैसी आएगी हाँ ब्रांड के कपड़ों पर जब सेल वगैरह लगती है वो जब भी मंगवाए हैं तो वो बिल्कुल ठीक आते हैं उसके अलावा दराज से भी एक दो बार फ्रॉड हो चुका है फ्रॉड से मुराद ऐसा जरूर हुआ है कि जो चीज़ देखने में कुछ लग रही है लेकिन जब वो आई है तो वो कुछ और है लेकिन हुआ मेरे साथ ये कम है क्योंकि मैं दराज से तो जब भी मैंने कोई चीज़ मंगवाई है पहले मैंने उसके रिव्यू चेक करे हैं सारे क्या दे रहे हैं लोग फिर मंगवाई है वरना मैंने नहीं मंगवाई और यहाँ मैं अपने लिए नाश्ता बना रही हूँ बल्कि बना लिया है और मैंने अपने लिए ऑमलेट बनाया साथ में थोड़ी सी चाय बना ली अपने लिए मैंने कहा चले तो मेरी भी आंखें पूरी खुल जाएं वैसे तो मेरी पूरी आंखें खुल गई थी जब मैंने हलवा पूरी में देखा कि फ़्रॉड हो चुका है और बच्चों के चेहरे उतर गए हैं फिर मैंने उनको खैर खिला पिला दिया पराठा वराठा बना दिया तो वो हो गया और आज घर के कामों से फ्री होने के बाद मुझे और मेरे मियाँ को जाना था कुछ शॉपिंग करने के लिए क्योंकि मेरी ससुराल में आ रही है शादी मेरे जो हस्बैंड है उनकी भतीजी की शादी है तो वहाँ के हमें तीन चार फंक्शन अटेंड करने तो हमने सोचा इस वक्त सेल भी लगी हुई है हर तरफ तो जाके हम भी ट्राई करते हैं देखते हैं तो मेरे मियाँ जी ने अपने लिए सूट लिया मुझे अपने बेटों के लिए लेना थे मेरे बेटे ने कहा था उसे मरून कलर चाहिए लेकिन वहाँ पे मुझे कपड़ा तो अच्छा होता है जहाँ से हम लोग लेते हैं लेकिन मुझे कलर कुछ देखने में इतना अच्छा नहीं लग रहा था मतलब जो मैं चाह रही थी जिस तरह का तो खैर मैंने फिर दूसरी शॉप पे गई वहाँ से मैंने अपने बेटों के लिए लिए कपड़े माइयों के लिए क्योंकि हमें माइयों मेहंदी जो है वो एक ही दिन है और निका भी एक उसी दिन है तो जाना था तो मैंने कहा इनको ये ड्रेस पहना दूंगी वहाँ पर और साथ साथ मैंने कुछ ज़्यादा दूर की भी सोच ली थी क्योंकि मेरे नंद के बेटे की भी शादी आने वाली है दिसंबर में तो मैंने कहा ये माइयों का फंक्शन उनका भी होगा तो यही ड्रेस ये ही उसमें पहन लेंगे क्योंकि शलवार कमीज जो है वो इतनी पहनने में मेरे बच्चों के नहीं आती तो वहाँ पे हम काफ़ी घूमे फिरे शॉपिंग वगैरह की उसके बाद हमें भूख लग रही थी और हलीम खाने का दिल चाह रहा था तो हम कराची हलीम आ गए वहाँ पर हमने सोचा हलीम और बिरयानी मिलती है ये खा लेते हैं तो हलीम तो खैर उनका अच्छा है हमेशा से खाए जब भी बहुत अच्छा लगा लेकिन जब हमने बिरयानी मंगवाई तो दिल जो है ना बस वो दिल के अरमा आंसुओं में बह गए क्योंकि बिरयानी में कलर के अलावा कुछ नहीं था ऐसा लग रहा था सारा जरदेगा जो रंग है ना वो हमारी प्लेट में ही डाल दिया है और हमने चिकन बिरयानी मंगवाई थी और कलर के अलावा कोई टेस्ट भी नहीं था मतलब जो इनका बिरयानी एक पहले होती थी बहुत मजे की लगती थी क्योंकि हम लोग अक्सर क्या करते थे बैठ के तो बहुत कम खाते थे अक्सर जब हम यहाँ से गुजर के जा रहे होते थे तो मेरे मियाँ जो है वो पार्सल लेते थे बिरयानी ले ली तो हम रास्ते में खाते खाते चले जाते थे तो खैर वहाँ पे मज़ा नहीं आया बिरयानी का और आइंदा सोचा है कि वहाँ की बिरयानी तो खैर बिल्कुल नहीं खानी है और घर आके बस मैं इनके कपड़े वगैरह देख रही थी और बच्चों को मेरे पसंद आए उनके कपड़े और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये है नेक्स्ट डे की आज हमें माइयों में जाना है और आज निका भी है बच्ची का तो मैं पाँच बजे से पहले पहले तमाम कपड़े इस्तरी करके रख रही थी क्योंकि अब हम लोग जो है पाँच बजे से पहले पहले ये तमाम काम कर लेते हैं ये मैंने पहले भी बताया आपको जब से बिजली के बिल बहुत ज्यादा आने शुरू हुए हैं तो हम लोग थोड़ी सी एहतियात कर रहे हैं और उस एहतियात की वजह से काफ़ी फर्क भी पड़ रहा है जैसे कि फ्रिज बंद कर देते हैं और इस्त्री वगैरह नहीं करते तो जब भी कहीं जाना हो पहले से कर लेते हैं और यहाँ मैं अपनी ज्वेलरी देख रही थी कि कौन सी ज्वेलरी पहनूं क्योंकि ज्वेलरी मैं बहुत कम लेती हूँ मैं अपनी जितने भी फैंसी सूट हैं या मुझे कहीं जाना हो शादी वगैरह में तो मैं ज्वेलरी तो अपनी पुरानी ही चलाती हूँ और यहाँ माशाल्लाह ये मेरा बेटा तैयार हो चुका है और ये मेरी नंद की बेटी खड़ी हुई है तो मैं इन लोगों की थोड़ी थोड़ी वीडियो बना रही थी कि पता नहीं वहाँ मौका मिलेगा या नहीं और सब लोग तैयार हो चुके हैं बस सब निकलना था जाने के लिए और ये मेरी नंद की छोटी बेटी है माशाल्लाह से अच्छी लग रही थी और चूड़ियाँ तो इसने पहनी नहीं थी फिर मैंने इसको बोला कह लगी कि चूड़ियाँ मैंने ली नहीं फिर इसने हाथों में गजरे पहन लिए थे वो भी एंड टाइम पर बिल्कुल इसको याद आया था और सब बाहर खड़े हुए हैं गाड़ी में बैठने के लिए मैंने और अब्दुल्ला ने अपने पुराने ड्रेस पहने थे और सब ने हमारे मेरे बेटों ने और मेरे मियाँ ने नए ड्रेस पहने थे और यहाँ पे गोलगप्पे जो हैं ये स्टार्टर में थे तो बड़ा मज़ा आ रहा था क्रिस्पी क्रिस्पी थे अब्दुल्ला को बड़ा समझाया कि भाई पानी शानी ना पीना क्योंकि अब्दुल्ला से भी नहीं रहा जाता जब भी वो गोलगप्पे देखता है तो वो भी शुरू हो जाता है बस खाने के लिए तो सब लोग गोल गप्पे खाने में मसरूफ़ थे इंजॉय कर रहे थे सबको बहुत मज़ा आ रहा था वीडियो बनाते हुए बहुत ख्याल रखना पड़ रहा था कि भाई फेस वगैरह किसी का ना आ जाए कोशिश कर रही थी कि इस तरह ना हो फंक्शन बहुत अच्छा रहा बहुत मज़ा आया दुल्हन माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही थी पहले तो उसने जो निकाह हो रहा था तो निकाह का ड्रेस पहनी हुई थी वो उसके बाद माइयों का भी ड्रेस उसने चेंज किया था वो भी बहुत माशाल्लाह उसका ड्रेस अच्छा लग रहा था एंड में मैंने कुछ पिक्चर्स लगाई हैं आप लोग देखिएगा और यहाँ मैं खाने की वीडियो बना रही थी सबके सामने वीडियो बनाना इतना मुश्किल होता है खैर फिर भी मैंने कोशिश करके जितनी वीडियो बना सकती थी वो मैंने बना ली क्योंकि काफ़ी रश था काफ़ी लोग थे वहाँ पे तो आ वीडियो वगैरह बनाना काफ़ी मुश्किल हो रहा था मेरी भी नंद के बेटे की शादी आने वाली है इन शाला दिसंबर में तो मैं तो काफ़ी टाइम से सोच रही हूँ कि डाइट करूँ वेट कम करूँ अपना लेकिन यही सोचती हूँ कल से करूँगी और वो कल फिर आई नहीं पाती अब मैंने सोचा इन शह ये शादी अटेंड करके इसके बाद शुरू करूँगी फिर मैं यहाँ पर शेयर भी किया करूँगी अपनी खाने पीने की रूटीन वगैरह या वेट मेरा कम हो रहा है या नहीं हो रहा वो सब मैं यहाँ जरूर शेयर करूंगी क्योंकि जब भी मैं डाइट करती हूँ तो मेरा वेट तो कम होना लाजमी शुरू हो जाता है तो फंक्शन के बाद जो है हम लोग आ गए थे घर पे दुल्हन के यहाँ पे रात को अः कवाली का प्रोग्राम था कवाली नाइट कह सकते हैं आप इसको तो हम लोग यहाँ आ गए थे यहाँ बहुत अच्छा खूबसूरत उन्होंने माइयों के हिसाब से घर को सजाया हुआ था और ये केक है जो आप लोग देख रहे हैं कितना खूबसूरत लग रहा है और यहाँ बहुत अच्छे अच्छे कलाम पढ़े थे बहुत मज़ा आ रहा था सब लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे दूल्हा और दुल्हन की जोड़ी बहुत प्यारी है माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत दोनों अच्छे लग रहे थे बहुत ज़्यादा खूबसूरत जोड़ी है अल्लाह ताला इनको खुश रखे आबाद रखे इनके नसीब अच्छे करे आमीन आमीन और अब वीडियो का करते हैं एंड जल्दी एक नई वीडियो में आप सबके साथ फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा खुश रहिएगा मुस्कुराते रहिएगा अपनी दुआ में मुझे और मेरी फैमिली को हमेशा याद रखिएगा अल्लाह हाफिज